नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी किया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट की वजह से या फिर जहाँ पे वो है प्लेस की वजह से उस पर जो एनर्जी रहती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है सिंपली MgH। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा पोटेंशियल एनर्जी PEMgH। ठीक है, अब एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से कोई भी अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, अब ये फॉर्मूले में हम लोग देखें हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग हाइट जो है बहुत इन्फाइट करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ऊपर है, लगा लो वैक्यूम में है अर्थ से, तो वहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? इन्फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कैपिटल जी कैपिटल एन स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। आर तो आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ, ये जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। वो हाइट हम लोग ऐड कर लेंगे दैट माइनस साइन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जितनी हम लोग स्पीड से एनर्जी से किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, इतना थ्रो किया कि वो जो ग्रेविटेशन फोर्स को भी ओवरकम कर देते हैं और एस्केप हो जाता है हमेशा के लिए, तो उसे हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। हमारे पास न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब वो चला गया है, फाइनल वेलोसिटी उसकी इन्फाइनाइट हो गई है, वो एस्केप ही हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो बन जाएगी। इन्हीं जो a है माइनस जी हो जाएगा क्योंकि हमने किया है फ्री फॉल में, जी नेगेटिव होते हैं और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आता है तो वो जी पॉजिटिव होता है, अर्थ के अपोज करता है अर्थ को तो ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज करता है तो माइनस होता है, तो ए हो जाएगा माइनस जी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एस्केप हो चुका है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो वो जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यू स्क्वायर एज इट इज प्लस टू एज इट इज, ए की जगह माइनस जी पुट कर देंगे और साथ में एस एज इट इज, जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो, यू स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस हुआ टू जी एस आ गया। अब ये जो यू स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू जी एस। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस टू जी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, एस की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी, ये हमारे पास आई प्रॉपर वैल्यू। अब कोई बॉडी है जी, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, तो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ उसकी क्या एनर्जी होगी और एट द इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दैट उसकी क्या टोटल एनर्जी रहेगी? तो स्टार्ट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लोअर क्लासेस में किया है, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर, वी के साथ लिखा है एस्केप वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वी ई एस ई मतलब एस्केप। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर, ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास, ये है जब बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाए तो हम सिर्फ तब ये लगते हैं, अदरवाइज हर केस में ये एम जी एच ही लगता है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमने वैल्यूज पुट कर दी, इतना आ गया। नेक्स्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वी जीरो होता है इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी जो आर है, डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, दैट इज इनफाइनाइट, तो एनी नंबर ओवर इनफाइनाइट इज जीरो। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जीरो प्लस जीरो इज जीरो। और पता है बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, तो ये केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो दोनों इक्वेट कर लिए। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी एक्स के वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ये टू ऊपर चला जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टू जी एम ओवर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स के वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ द अर्थ एंड आर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे जो एग्जाम में आता है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू विद दिस एंड दिस। हमें पता है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम ओवर आर। टू जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 11
यहाँ पर एम मास ऑफ द मून है, दैट इज 7.34 × 10^22, और आर है रेडियस 1.74 × 10^6। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 6.67 × 7.34 × ये बेसिस से पावर सेट हो जाएंगे, 10^11 आ जाएगा, नीचे 1.74 × 10^6 जाएगा, 2 × 6.67 × 7.34 × ये 6 नीचे ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10^11 - 6 दैट इज 5, और नीचे आ जाएगा 1.74। ठीक है, तो अब हम लोग इस पोर्शन को पूरा सॉल्व करेंगे और अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 2.37। वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट्स होता है मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस वो किलोमीटर्स में होगा, तो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।